जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरी प्यारी बहनों के लिए है जो आने वाले समय में CRPF को ज्वाइन करने वाले हैं या CRPF में आना चाहते हैं या जो SSC GD के थ्रू CRPF फर्स्ट चॉइस करते हैं, जिनकी फर्स्ट चॉइस या फर्स्ट चॉइस नहीं भी है या उनके नंबर की वजह से उनको अगर CRPF मिलने वाली है, तो उनको बता दूँ कि CRPF में अभी प्रेजेंट टाइम में 6 महिला बटालियन है, तो उन्हीं 6 महिला बटालियन में किसी न किसी बटालियन में उनकी पोस्टिंग होनी है। इसी 6 बटालियन के अंदर ही उनकी पोस्टिंग होनी है। तो वो बटालियन कहाँ कहाँ है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो इसके बारे में डिटेल वाला वीडियो आपके। तो साथ ही बता दूँ, जितने भी जो नए मेरे से जुड़े हैं, जितने भी पढ़ने के इच्छुक हैं, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेथ अकेडमी, जिसमें मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू किया हूँ, तो उसमें अब वीडियो डालना शुरू कर दिया हूँ, तो आप सभी जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर फौजी मेथ अकेडमी के नाम से है। तो अब बात करते हैं कि CRPF में महिला बटालियन कहाँ कहाँ हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना दिया कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है और इनकी पोस्टिंग महिला बटालियन में ही होती है। अगर ये इसके अलावा जैसे ग्रुप सेंटर, जैसे मैंने उस दिन बोला कि ये ग्रुप सेंटर में ड्यूटीज़ करते हैं या ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटीज़ करते हैं, या तो इनकी किसी बटालियन से ये वहाँ पर अटैचमेंट के रूप में जाते हैं, इनकी बटालियन वहीं रहती है। ग्रुप सेंटर की जो पोस्टिंग होती है वो तो GC के रूप में इनकी पोस्टिंग हो जाती है, या अगर किसी, कुछ लोगों ने बोला कि जो महिला या पुरुष एक ही बटालियन में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ की जहाँ पर जैसे ग्रुप सेंटरों में आवश्यकता पड़ने पर, या कुछ ऐसी बटालियन है जो सिटी वाले इलाकों में, तो वहाँ परिस्थिति में वो पुरुष बटालियन में रहते हैं। बाकी महिला बटालियन में जो लड़कियाँ भर्ती होती है वो महिला बटालियन में ही ड्यूटीज़ करती है। हाँ, कुछ स्थिति में जैसे अगर किसी दिल्ली या कोई बड़े शहर में है और वहाँ पर ऑफिस लाइक या हेडक्वार्टर या CGO का काम उस बटालियन का, तो वहाँ पर महिला बटालियन यानी वहाँ पर भी लड़कियाँ पोस्टेड होती है। तो मैं बता दूँ, CRPF में जो 6 बटालियन है वो कौन कौन सी बटालियन है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो शुरुआत करते हैं, पहली जो बटालियन है वो 88 बटालियन, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, हेडक्वार्टर दिल्ली में 88 बटालियन। उसके बाद में जो दूसरी CRPF महिला बटालियन है वो 135 बटालियन, गांधीनगर गुजरात इसका हेडक्वार्टर है। मतलब हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में। तो आपकी एक बार वहाँ पर ज़रूर आप इस बटालियन में, अगर 88 में आप अगर पोस्टिंग होते हो ट्रेनिंग के बाद में, तो आप दिल्ली में रहोगे, और अगर 135 में पोस्टेड होते हो तो गांधीनगर गुजरात में रहोगे। तो ये पहली दो बटालियन। इसके बाद में चलते हैं तीसरी बटालियन, 213 बटालियन नागपुर महाराष्ट्र, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में, यानी कि आपके अगर इस बटालियन में आपकी पोस्टिंग होती है, यानी 213 बटालियन में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप नागपुर महाराष्ट्र में ड्यूटी करोगे। चौथी जो CRPF की महिला बटालियन है वो है सालबनी, जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, आप सभी को पता होगा सालबनी वेस्ट बंगाल में। तो 232 CRPF की बटालियन, 232 बटालियन CRPF ये कहाँ पर है, सालबनी बंगाल में। अगर आप इसमें पोस्टेड होंगे तो आपको जाना होगा सालबनी बंगाल, जिसका हेडक्वार्टर है। अब इनकी तो एक बार पूरा बता दूँ। उसके बाद में 233 यह है रायपुर छत्तीसगढ़ में, और 240 ये भी बस्तर छत्तीसगढ़ में। तो इसमें भी पोस्टिंग होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये 2015-16 में जब राजनाथ सिंह जी, जो अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, उस समय वो गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ये दो बटालियन CRPF की नई गठित की थी महिला बटालियन। इसमें ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं वो नक्सलाइड एरिया से ही हैं, जिनकी सीधी भर्ती हुई थी उनको नक्सलियों से, ताकि उनकी इंट लाने से या उनसे, मतलब नक्सलाइड एरिया में विशेष रूप से काम कराने के लिए, महिला के रूप में काम कराने के लिए बटालियन गठित हुई थी। 233 और 240 ये दो बटालियन अभी 2015-16 में जब राजनाथ सिंह जी के समय में ये दो बटालियन गठित हुई है। अब मैं बता